फ्रेंड्स, क्या आप मां बनने वाली है? तो आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसी टिप्स बताऊंगी जिन्हें आपने मेरे बताए हुए तरीके से 9 महीने तक फॉलो किया तो मैं इस बात की गारंटी लेती हूँ कि 95% आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। सबसे पहले आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या सीजेरियन, आप इसके बारे में टेंशन लेना बिल्कुल बंद कर दें। और डिलीवरी के बारे में जो लोग आपको डराते हैं, आपसे नकारात्मक बातें करते हैं कि तुम्हें ये प्रॉब्लम है तो तुम्हारी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, ऐसे लोगों से आप दूरी बनाकर रखें। और यदि आपको कोई भी दिक्कत है तो आप उसके बारे में डॉक्टर को बताएं या फिर अपनी प्रेगनेंसी को लेकर सही सलाह देने वाले लोगों से बात करें जो आपको मोटिवेट करते हो, क्योंकि नकारात्मक विचारों का भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है नॉर्मल डिलीवरी पर। प्रेगनेंसी के समय आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आप पूरे 9 महीने खुश रहने की कोशिश करें। आपकी फैमिली और आपके लाइफ पार्टनर को पूरी कोशिश करनी चाहिए आपको खुश रखने की, और जितना हो सके आप उनके साथ रहें, आप उनके पास रहें। इसके अलावा आप अपनी सभी फीलिंग्स अपने हस्बैंड के साथ और अपनी फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि आपने सुना ही होगा कि दुख बांटने से कम होते हैं और खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। फ्रेंड्स, जब आप दुखी होती हैं, उदास होती हैं, तो उस समय आपकी बॉडी से एक हार्मोन निकलता है जिसका इफेक्ट प्लेसेंटा के माध्यम से आपके बच्चे पर भी पड़ता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि आपके ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से बच्चा जन्म लेने के बाद ज्यादा गुस्सा वाला हो सकता है, जिद्दी हो सकता है, चिड़चिड़ा हो सकता है या फिर मंदबुद्धि भी हो सकता है। इसके अलावा टेंशन लेने से आपके नॉर्मल डिलीवरी होने के चांस भी बहुत ज्यादा घट जाते हैं।